दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम चटपटी रसोई में बनाएंगे आर्टिफिशियल वेज एग करी। तो आर्टिफिशियल वेज एग करी, अगर आर्टिफिशियल हम बोल रहे हैं तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम बिल्कुल अंडे यूज नहीं करेंगे। जो अंडे होते हैं एक्चुअल में उनको यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिफिशियल एग बनाएंगे। तो आर्टिफिशियल एग हम कैसे बनाने जा रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सीक्रेट टिप्स के साथ बता रही हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी इसके बारे में पता चल जाए कि हमें किस किस तरीके से इनको बनाना है थोरली। तो यहाँ पर मैंने ये चार मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया तो ये अपने आप ही पूरा बिखर गया है, और बाकी इन सबको हम इसके अंदर पहले बिल्कुल स्मूथ हमें करना है इसका, क्योंकि हम इससे आउटर कवर उसका बनाएंगे एग का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर टाइट आलू आ रहा है या कहीं पर एकदम पिसा हुआ। तो हम एक बराबर करने के लिए इसके अंदर ग्रेट कर लेते हैं इसको, सभी आलू को। वैसे ही आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो देखिए वैसे ही हो रहे हैं ये। यहाँ मैंने 100 ग्राम इसके साथ पनीर लिया है, तो इसको भी अब हम ग्रेट कर लेते हैं पूरा इसके साथ, ताकि ये बराबर एक्चुअल में सब जगह मिल जाए इसमें। कुछ हो गया है, कुछ वैसे ही इसके अंदर टूट के भी आ गया। सबको अच्छे से हम मिला देंगे। तो ये तो हुआ हमारे आउटर कवर के लिए जो हम तैयार कर रहे थे, उसके लिए हमारी तैयारी हो गई है। और अब हमें उसका योग बनाना है, जो अंदर का पीला भाग होता है। तो उसके लिए यहाँ मैं ये ले रही हूँ, मावा है ये, खोया जिसको हम खोया भी बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है 100 ग्राम, इसको भी हम बिल्कुल बारीक स्मूथ कर लेते हैं इसमें फंस करके। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको हमें येलो कलर का बनाना है, क्योंकि एग के अंदर का पार्ट जो होता है वो येलो कलर का होता है, योग और सॉफ्ट होता है वो। तो बिल्कुल हम भी इसको बिल्कुल वैसा ही बनाने जा रहे हैं। पूरा मैं इसके अंदर कस लेती हूँ इसको। यहाँ देखिए मैंने खोए को बिल्कुल बारीक इसके अंदर कद्दूकस करके सॉफ्ट करके ले लिया है। और अब हम इसको येलो कलर देने के लिए इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। हम फूड कलर भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, कोई नुकसान भी नहीं है इसका। इसको अच्छे से मिक्स करके सब जगह हम इवनली इसको जितनी ज़रूरत होगी, मतलब जैसा योग होता है बिल्कुल वैसा ही हमें इसका कलर लाना है। तो थोड़ा सा भी और इसके अंदर हल्दी आएगी। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है मावा भी एकदम। मैंने फ्रिज में रखा था तो जब निकाला था तो एकदम टाइट था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया है। अब और अगर हमें डार्क थोड़ा सा येलो करना है तो अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क ही होता है अंदर वाला यूज जो होता है। फूड कलर डालेंगे तो चुटकी भरी फूड कलर काफी है। और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च। वैसे हम इसको चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, क्योंकि मावा जो होता है उसकी थोड़ी सी मिठास होती है ना, ये अपनी चॉइस पर है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और बहुत हल्का सा काला नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं काली मिर्च के साथ दो तीन हरी इलायची भी मैं ले रही हूँ।
ताकि जैसे ही एग अंदर से जब खुलेगा तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी पूरी सब्जी में हो जाएगी। तो इसको भी मैं इसके साथ ही दरदरा कूट ले रही हूँ। बाद में जो बचेगा वो हम बाद में करी में डाल देंगे, इसमें हमें थोड़ा ही डालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर इतना बस, और ये हम करी में डालेंगे, और थोड़ा सा काला नमक हम इसमें बस हल्का सा ये ऐड कर देते हैं। और अब इसको छोटे छोटे इसके गोले बना लेते हैं। और इसमें मैं यूज कर रही हूँ अंदर काजू और किशमिश, तो एक एक काजू और किशमिश हम रखकर इस तरीके से इसको बंद करते हुए पूरा एक गोला ऐसे तैयार कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल येलो कलर आ गया है इसका योग के जैसा, और ऐसा हम गोला बनाकर तैयार कर लेते हैं सभी। ऑप्शनल है ये मावा, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर यूज करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप यूज नहीं करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको यूज भी कर सकते हैं। इस तरीके के हमें सभी इसके गोले बनाकर तैयार कर लेने। थोड़ा सा ये ज्यादा है तो मैं किसी किसी में इसको मिक्स कर दूंगी, इक्वल कर दूंगी। टोटल 5 ही हम इसके अंदर बनाने जा रहे हैं एग। तो देखिए बाकी जो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने किसी किसी में डालकर और उसको इक्वल कर देना है। अब एग का आउटर कवर बनाने के लिए यहां मैंने ये आलू पहले क्रश किए थे, और इसके अंदर मैंने पनीर भी क्रश किया था, और अब हम एक चम्मच डाल रहे हैं इसके अंदर ये मैदा, जो इसको अच्छी बाइंडिंग दे देगा। और इस सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तरीके से हाथ पर इसको लिख के हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं हाथ में। यहाँ पर हम रखेंगे ये हमारा एक कवर, फिर इसको पूरा हम कवर करके एक अंडे का शेप दे देंगे। हमें पूरा एक अंडे का शेप देकर ऐसे तैयार कर लेना है। सभी को मैं ऐसे अलग रखती जाती हूँ। ये बहुत ही स्मूथ हो गया है हमारा जो कवर है। इसे चारों तरफ से कवर करते हुए हमें पहले गोल कर लेते हैं, फिर उसको लंबा अंडे के जैसा बना लेंगे।
इस तरीके से हमें सभी अंडे बनाकर तैयार कर लेने हैं अपने। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और अब ये जो अंडा हमने बनाया था इसको इस तरीके से सूखे मैदे के अंदर एक बार ऐसे राउंड घुमा लेंगे ताकि इसके बाहर एक आउटर कवर बन जाए जो इसको बिखरने ना दे ऑयल के अंदर, तो इससे ये बिल्कुल भी ऑयल में बिखरेगा नहीं। और अब हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें इसे धीरे धीरे आंच पर ही अच्छे से फ्राई करना है, तो हमने ऑयल को एकदम से तेज गर्म नहीं किया है। देखिए इस तरीके का हम इसे कर लेंगे और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। एक बार में एक या दो, बस इससे ज्यादा अंडे हम फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा लपेटना नहीं है, बस हमें एक बार मैदे के अंदर घुमाकर इसके ऊपर आउटर कवर ऐसे बना देना है। अब इनको हम फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज कर रही हूँ। हमें इसमें ज्यादा छेड़ना भी नहीं है, एक बार पहले एक साइड से हो जाए उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ से भी घुमाकर फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों अंडे कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और दोस्तों अब करी बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, ये मैंने दही लिया है और इस दही को अच्छे से फेंटते हुए इसके अंदर हम सभी मसाले मिला लेते हैं। तो पहले हल्दी और बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया, और ये हम ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, और इसमें कलर अच्छा कलर लाने के लिए हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि खाने में तो तीखी नहीं होती है लेकिन कलर वो बहुत अच्छा देती है। तो 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, बस इसी के अंदर ही हम मसाले ये अच्छे से भीग जाएंगे जब तक हम प्याज और टमाटर की करी तैयार करते हैं। अब इन मसालों को हम रेस्ट करने देते हैं और हम फ्राई करते हैं प्याज। यहाँ मैं पैन में ले रही हूँ सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल भी यूज किया जा सकता है लेकिन मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, ये मुझे और भी ज्यादा इसमें अच्छा लगता है। आप रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, देसी घी यूज करना चाहें तो वो भी बहुत बेस्ट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ। हमें इसमें कोई खड़ा मसाला कुछ भी नहीं डालना है, बस ये 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं ये मैंने डाले हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, ये 8 से 10 कली लहसुन की है जो मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, 4 प्याज लिए हैं ये मैंने मीडियम साइज की। ये काम बहुत आराम से करना है, पानी होता है प्याज में। इसी में ही मैं 4 टमाटर भी ऐसे ही ग्राइंड करके अलग पेस्ट बना लूंगी। मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन करना है इसमें। ये भी एक टिप है, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो
प्रॉपर तरीके से अगर हम बनाएंगे किसी चीज़ को तभी उसका हम वो टेस्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब फ्लेम को मैंने तेज किया है, इसको हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है प्याज को। तो जब तक ये प्याज इसमें फ्राई हो रही है मैं टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन भुन गई है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। इतना हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है क्योंकि ये सब्जी को अलग ही कलर देगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि हमें इतना प्याज को अलग भूनना है, इसीलिए हमने टमाटर और प्याज को अलग रखा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये, और जितना भी हमने देखिए ऑयल डाला था इसके अंदर सारा प्याज है सौंक लिया। अब जैसे ही ये करी पकेगी तो अपने आप ऑयल आ जाएगा फिर से। अब हमें इसे पकने देना है, अब हमें इसे ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और हम इसे बंद करके 2 मिनट तक ऐसे ही, ताकि टमाटर का टेस्ट हमें कच्चा ना आए, और हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं। देखिए टमाटर भी अब इसके अंदर अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर की प्यूरी भी मैंने डाली थी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये जो दही के साथ हमने मसाला बनाया था वो, तो मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ बिल्कुल, और यहाँ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, ताकि इससे कड़ी हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी, ढककर लो फ्लेम पे हम इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे, फिर ऐड करेंगे जितनी भी हमें जरूरत होगी उस हिसाब से इसके अंदर पानी और हमारे आर्टिफिशियल एग। फ्रेंड्स देखिए हमारी करी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने इसमें इस कटोरी से, हाफ कटोरी से थोड़ा ज्यादा पानी इसमें मैंने ऐड किया है और मैंने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे आर्टिफिशियल एग। पानी हम चाहें तो और डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ही होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता सब्जी में, लुटपुटी सी ही ये बनती है। यहाँ पर देखिए हमने सभी अपने एग इसके अंदर डाल दिए हैं और हमारी आर्टिफिशियल एग करी तैयार है बनके। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। मैं अंडे कभी नहीं खाती हूँ लेकिन बेटा मेरा खाता है और उसको भी लग रहा है कि ये सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाली। अभी मैंने उसको मसाला जरा सा टेस्ट कराया था तो बोला है बिल्कुल वैसा ही मसाला है ये जैसा एग करी का होता है। अब हम इसमें ऊपर से चाहें तो हरा धनिया इसके अंदर डाल सकते हैं, तो मैं हरा धनिया एकदम साफ करके बारीक कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एग करी बनकर तैयार है। इसको आप हरे धनिए से या ताजा क्रीम जो होती है उससे गार्निश कर सकते हैं। मैं आपको एक एग ना कट करके दिखाती हूँ। कैसे इसके अंदर से इसका बीच वाला येलो योक बिल्कुल परफेक्टली बना है,
ये भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंडे के अंदर से योक निकलता है, बिल्कुल वैसा ही है दिखने में। खाने में बहुत टेस्टी बनी है सब्जी, मैंने खुद टेस्ट करके देखी है, आप भी इसे ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा है। रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।